अगर आपकी मौत होने वाली है और मौत से जस्ट पहले आपको हार्ली क्वीन के साथ मजा मारने को मिले तो ऐसी मौत से सबको कबूल है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एरान एंटरटेनमेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे सुसाइड स्क्वाड। मुझे पता है कि मैं एक दिन डिले कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर मूवी के रिव्यू का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड में बहुत सारी मूवीज बनती है, सीरीज बनती है, और ऑडियंस भी बहुत सारी, और ऑडियंस को हर एक मूवी और सीरीज का रिव्यू चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी मूवीज भी बनती है जिसका ऑडियंस को रिव्यू नहीं मांगता है। ऑडियंस को पता है कि हमको ये मूवी देखनी है, इसका नेगेटिव रिव्यू आए या पॉजिटिव रिव्यू आए, बस हमको एक बार देखनी है। देखो यार, ये मूवी डीसी की अब तक की रोटेन टोमेटोज पर हाईएस्ट रेटेड मूवी बनी है। ये कोई शॉकिंग बात नहीं है। जब आप लोग इस पर्टिकुलर मूवी को देखोगे तो आप खुद बोलो कि हाँ यार, ये मूवी वाकई में वो दम रखती है। मैंने नहीं सोचा था कि ये मूवी इतनी ज्यादा अपनी हाइप पर खरी उतरेगी। पहले मुझे लगा कि नहीं यार, जेम्स गन इस पर्टिकुलर मूवी को डायरेक्ट करे वो अपने हिसाब से अच्छी तरह से करेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतनी अच्छी तरह से करेंगे। और सीरियसली, जिस तरह से वॉयलेंस, ब्लडशेड, इमोशंस, ड्रामा, लव, सेक्स, एक्शन, स्टोरी लाइन, यार देखकर मैं पूरी तरह से स्टंड हो गया। और मुझे नहीं लगा कि यार जेम्स गन इस लेवल की भी मूवी बना सकते। मालूम है मुझे कि गार्डन ऑफ गैलेक्सी को उन्होंने एक अलग तरह से प्रेजेंट किया, मतलब जिनको पता नहीं था भाई ये टीम भी एग्जिस्ट करती है, उनको भी ऑडियंस के सामने लेके आया, और इतनी लवेबल टीम बन गई कि आज इंडिया में भी उसके इतने ज्यादा फैन है। लेकिन भाई, जेम्स गन ने जिस तरह से सुसाइड स्क्वाड को हैंडल किया है, मानो या ना मानो ये परफेक्ट डायरेक्टर थे इस पर्टिकुलर मूवी को रिडायरेक्ट करने के लिए। मूवी की मैं आपको प्लॉट बता देता हूँ कि अमांडा वॉलर नाम की एक रूथलेस, एक ऐसी हरामी औरत है जो कुछ सुपर विलन्स की टीम जमा कर रही है एक मिशन के लिए, प्रोजेक्ट स्टारफिश के लिए। अब उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स है, कैसे ये सुपर विलन्स की टीम क्या बवाल मचाती है, क्या कुछ करती है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। इससे ज्यादा मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। मूवी में अगर कैरेक्टर्स की बात करो तो यहाँ पर आपको मल्टीपल सुपर विलन्स की टीम देखने मिलती है, और हर एक कैरेक्टर को अपना एक शाइनिंग मोमेंट दिया है। अपने बारे में इतना तो डिटेल में बताया कि ऑडियंस उनके बारे में इजीली कनेक्ट कर पाए, या उनके पास से रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिल जाए। इतने सारे सुपर विलन्स को एक मूवी में लेना और हर किसी को अपनी एक स्क्रीन टाइम देना, एकदम इक्वल स्क्रीन टाइम देना, बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ 2 घंटे 12 मिनट में ये कारनामा हुआ है, तो इसलिए जेम्स गन और पूरी टीम की तारीफ करनी पड़ेगी। मजा आ गया देखकर। मूवी के सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो यार VFX काफी बढ़िया है, और जितने भी वो मुंडी उड़ जाना या एक सीन था भाई, स्टार्टिंग का सीन है जो देखा ना, उसके बाद मुझे लगा कि भाई इसमें बहुत गजब के वायलेंस होने वाले। वो भाई बूमरैंग जो है वो अपना फेंकता है ना, तो ये मुंडी कड़ी तो टकलेगी और अंदर से भेजा दिखने लगता है। और वो सीन में समझ गया कि भाई अब इसके बाद इस पर्टिकुलर मूवी में ऐसे बहुत सारे सीन देखने मिलेंगे। फिर क्या था, और ये चीज हुई, और ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। और आर रेटेड मूवीज ही होना चाहिए। जब भी कोई सुपर हीरो की जॉनर की मूवी बनती है, सुपर विलन के जॉनर की मूवी बनती है, तो वो आर रेटेड ही बनाओ। PG-13 किसको देखने है यार, आजकल तो बच्चे बच्चे क्या क्या देख रहे हैं आप लोगों को पता है। तो यार मूवी में भी बता दोगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा यार, समझो मेरी बात को MCU वालों, सुनो। इसके अलावा मूवी का BGM बहुत अच्छा है। डायरेक्शन के बारे में तो यार जेम्स गन की मैं कितनी तारीफ करूं उतनी कम है। ओवरऑल ये एक ऐसी मूवी है जो डेफिनेटली आप लोगों को देखनी चाहिए। खैर, अब इस वीडियो में हम लोग पोस्ट क्रेडिट सीन और एंड क्रेडिट सीन दोनों के बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि देखो यार अब मैं दूसरा वीडियो नहीं बनाने वाला, क्योंकि मूवी की एंडिंग हमें ज्यादा कुछ नहीं बताती। जितना बताती मैं आपको बता दूं कि देखो यार, मूवी की शुरुआत में जब वो लोग जितने भी टास्क फोर्स के मेंबर्स है पानी में जंप मारते, तो उसमें विजल भी पानी में जंप मारता है। अब जंप मारने के बाद पता चलता है कि भाई विजल को तैरना नहीं आता, तो विजल वहां पर डूब जाता है। और डूब के वो, हमको ऐसा लगता है एज एन ऑडियंस के भाई वो मर गया, लेकिन मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमको पता चलता है कि विजल मरा नहीं, बल्कि उसका कॉन्शियसनेस जब वापस आती है तो उसके मुंह से पानी निकलता है और वो यहाँ वहां देखता है। उसको खुद भी नहीं पता कि उसके साथ जो टीम आई थी वो टीम का है, तो वो उस आइलैंड के फॉरेस्ट में वो भाग जाता है। अब भागने के बाद विजल के साथ क्या हुआ, देखो यार ज्यादा से ज्यादा उस आइलैंड पर रहने वाले लोगों के लिए खतरा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विजल कुछ इतना बड़ा डेंजर है। विजल को दोबारा से पकड़ लिया जाएगा, और विजल को जिंदा क्यों रखा, मे भी ऐसा हो सकता है कि वो जेम्स गन के भाई है तो इसलिए उनको जिंदा रखा, या तो फिर शायद जेम्स गन ने आगे चल के उस कैरेक्टर के लिए कुछ सोचा हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कैरेक्टर कुछ खास आगे कर पाएगा। वो आपको सिर्फ फंसाने के लिए ही रखा है, लेकिन उसने 27 बच्चों को भी मारा, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उसको देख के ऐसा लगता है कि वो हल्के में निपट जाएगा। तो चलो, इतना तो अब यहाँ पर समझ में आ गया कि विजल हमें आने वाली मूवीज में देखने को मिल सकता है। मे बी किस में देखने को मिलेगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके अलावा जो एंड क्रेडिट सीन है उसमें हमें नजर आता है पीस मेकर, यानी कि जॉन सीना का कैरेक्टर फिर से जिंदा है। मूवी में हमने देखा था कि ब्लड स्पॉट ने अपनी छोटी सी बुलेट से जॉन सीना की यहाँ पर गर्दन को उड़ा दिया था, और क्या खून टपक रहा था भाई उनका। और मुझे लगा कि भाई पीस मेकर कैरेक्टर चला गया, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में डाउट था कि इतने बड़े कैरेक्टर को उन्होंने फर्स्ट पार्ट में ही कैसे मार दिया, और ये चीज मेरे दिमाग में चल रही थी। लेकिन जब मैंने एंड क्रेडिट सीन देखा तो भाई ये हॉस्पिटल के बेड में
पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, मतलब अब ठीक हो जाएंगे। इनको बचाया अमांडा वॉलर ने, क्योंकि इनको फकिंग वर्ल्ड को बचाना है। यहाँ पर एक चीज कंफर्म हो जाती है कि पीस मेकर का अपना एक स्पिन ऑफ सीरीज देखने को मिलेगी HBO मैक्स में, यानी कि जनवरी अगले साल। तो उसमें हमें इस पर्टिकुलर मूवी में जो जो चीजें हुई है उससे आगे का बताएगा, क्योंकि अगर पीस मेकर के कैरेक्टर को मार दिया जाता तो ऑब्वियसली हमें उसके प्रीक्वल, यानी कि इस इवेंट से पहले उसके साथ क्या कुछ हुआ, उसके फादर के साथ क्या कुछ हुआ, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जाती जो हमको पीस मेकर के बारे में नहीं पता है। लेकिन अब जब पीस मेकर की जान बच गई तो मुझे ऐसा लगता है कि जो उस सीरीज में हमें देखने को मिलेगा वो इस मूवी के आगे के इवेंट्स होंगे। तो आगे चल के पीस मेकर के कैरेक्टर के साथ क्या कुछ होता है, देखो यार वो एक देशभक्त है नो डाउट, लेकिन उसकी जो सोच है वो बिल्कुल भी अलग है। तो अब उसकी जो सोच है देशभक्ति तो रहेगी, लेकिन उसकी सोच थोड़ी बहुत बदलती है, ये बहुत उसकी इमोशंस जागते हैं नहीं, वो सब कुछ जानने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा जनवरी 22 का। और हाँ, पॉसिबल ये है कि वीजल जो कि वहां पर बच गया शायद हमें इस पर्टिकुलर शो में नजर आए पीस मेकर के। अब देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद पीस मेकर को जेम्स गन ने लिखा है, इसमें 8 एपिसोड होने वाले और 5 एपिसोड वो खुद डायरेक्ट करेंगे। अब देखते हैं कि इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेकर जेम्स गन के दिमाग में क्या चल रहा है, और जॉन सीना का ये परफेक्ट मोमेंट आ गया हॉलीवुड में शाइन करने, क्योंकि उन्होंने इससे पहले बहुत सारी मूवी की, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है सुसाइड स्क्वाड मूवी को देखने के बाद कि जॉन सीना में वो पोटेंशियल है कि अगर उनको अच्छा डायरेक्टर अच्छा राइटर मिले तो वो दिखा सकते कि भाई वो इस फिल्म इंडस्ट्री में क्यों है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को सुसाइड स्क्वाड मूवी बहुत अच्छी लगी तो कमेंट में बता सकते हो, और आपको हार्ली क्विन और रेड कैचर 2 में सबसे ज्यादा फेवरेट कौन लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।